रहे थे पिछले क्लास में? क्या हम लोग पढ़ रहे थे कोई बताएंगे? एनी ऑफ यू? शिवम, सागरिका, सुप्रतिम, बताइए क्या हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, तो न्यूक्लियस हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, यस सर। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या पढ़ रहे थे? सर सेल ऑर्गेनेलीज में कौन सा पढ़ रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। एनी ऑफ यू? राजश्री, सयंती, यस, कम ऑन कम ऑन, वी आर ऑलरेडी लेट लेट ड्यू टू यू नो नेटवर्क प्रॉब्लम। आई वाज नॉट एबल टू एंटर इन जूम। सर साइटोप्लाज्म ये सब पढ़ रहे थे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, तो हम लोग साइटोप्लाज्म में चलते हैं, है ना? साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं। ओके, कम ऑन, यू कैन सी अ नॉट इन योर ऑन योर स्क्रीन। ओके, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है ना, यूनिसेलुलर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने प्रोकैरियोटिक फ्यूज यूकैरियोटिक हो गया। वेरी गुड, हम लोगों ने सेल शेप भी पढ़ चुका है ना, डिफरेंट वेराइटी और डिफरेंट यू नो वेराइटीज ऑफ शेप्स, शेप ऑफ सेल, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सेल का स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इजंट इट? तो सेल के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, है ना? पहला पार्ट आपका जो है क्या, सेल इनवेलप हम लोग रखे थे, जिसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? सेकेंड हम लोग क्या रखे थे? सेकेंड हम लोग जो है आपका साइटोप्लाज्म। साइटो, हाँ, साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड जो है वो हमारा क्या था? न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड हमारा न्यूक्लियस था। ठीक है, तो ये सब हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल इनवेलप, यानी कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर? हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल को पढ़ने के लिए इसको तीन भाग में हम लोग डिवाइड किए, इसके स्ट्रक्चर को तीन भाग में हम लोग डिवाइड किए। पहला क्या था? पहला आपका था, पहला आपका जो है वो है सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, या हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो है कितना मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग्स, ये भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो सेल इनवेलप में हम लोग क्या क्या देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, ये हम लोगों ने जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, सेल वॉल डिस्कस करेंगे, सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट, ये वन। नेक्स्ट टू में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। थर्ड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। क्लियर, थर्ड में हम लोग न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हम लोग बात करते हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात करते हैं। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ये एनिमल सेल के, ध्यान दीजिएगा, एनिमल सेल का सबसे आउटर पोर्शन है, यानी सबसे आउटर आउटर पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो सबसे बाहरी बाहरी जो पार्ट है। ठीक है, एनिमल सेल में सबसे बाहरी पार्ट वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होता है आपका सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। ठीक है, यानी कि दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सेल, और आउटर मोस्ट इनवेलप ऑफ ए सेल इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल, एंड द सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होंगे, सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग ये होंगे। ठीक है, इनको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। सेल सरफेस इन ऑल सेल्स इज इनक्लोज्ड बाय अ लिविंग मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बाय सी निगेली एंड क्रैमर। आपको पता है सी निगेली एंड क्रैमर, इन दो वैज्ञानिक ने 1855 में बताया कि सभी सेल क्या होते हैं, एक कवर से ढके हुए होते हैं, एक मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं, है ना? वो सेल का जो न्यूक्लियर, सेल का जो मटेरियल है
उसको क्या करते हैं, इनक्लोज्ड करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, ठीक है, और उस सरफेस का नाम उन्होंने दिया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले रॉबर्ट हुक जब सेल का डिस्कवरी जो है, सेल के साथ जब रिसर्च कर रहे थे, डेड सेल के साथ, तो उन्होंने कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था, और सबसे बाहरी लेयर को उन्होंने सेल वॉल बताया था, ठीक है। तो ही वॉज डीलिंग विथ प्लांट सेल, सो दैट्स वाई उन्होंने सबसे पहले, है ना, क्या बताया कि वो जो बाहरी कवरिंग को उन्होंने बताया, क्या बताया, सेल वॉल बताया, क्लियर। और फिर है ना, क्रेमर एंड निगेली, ये दोनों ने बताया कि क्या है जो सेल का सबसे बाहरी लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जेक्यू, है ना, जेक्यू प्लावर ने 1931 में प्लाज्मा लेमा बोल के जो है टर्म यूज किया, किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, इसके लिए यूज किया सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। ये सब कुछ हिस्टोरिकल बातें जो यहाँ पर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर, ठीक है। तो जेक्यू प्लावर ने 1931 में ना टर्म यूज किया प्लाज्मा लेमा, किसके लिए, फॉर सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के लिए, क्लियर। तो चलिए, सेल मेम्ब्रेन है क्या, सेल मेम्ब्रेन है क्या, चलिए हम लोग बात करते हैं। आपको बता दें कि सेल मेम्ब्रेन, है ना, आप इसको कैसे लिखिएगा, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, ध्यान दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, वेयर एज इट इज द सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ यू नो प्लांट सेल, फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंगस के लिए ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल में क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर जो है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ये जो आपका सेल है, ये और सेल, सेल सेल का जो ये जो मेम्ब्रेन है, ध्यान दीजिएगा, सेल का दिस इज मेम्ब्रेन, दिस इज ये जो मेम्ब्रेन है, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन क्या होता है, एनिमल सेल में ये सबसे बाहरी लेयर होता है, लेकिन प्लांट सेल, बैक्टीरिया या फंगस में क्या होते हैं कि ये जो आपका जो ये जो लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल वॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यानी कि एनिमल सेल को छोड़कर आपका जो फंगस सेल है, आपका जो बैक्टीरियल सेल है, आपका जो प्लांट सेल है, दिस हैव यू नो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर इन दिस सॉर्ट ऑफ सेल। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड आउटर मोस्ट सेल हो जाते हैं, लेयर हो जाते हैं, क्लियर, गॉट इट, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, थीन होते हैं, डेलिकेट, इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसको समझिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मिनरल्स, गैसेस एंड ऑल अदर मटेरियल्स, जो भी सेल के अंदर जिसको जाना है और सेल के बाहर जिसको आना है, ठीक है, ये सारा जो है रेगुलेट होता है, किसके द्वारा रेगुलेट होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। सो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल द मटेरियल्स, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल द मटेरियल्स इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल इज रेगुलेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हेंस इट इज कॉल्ड, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक लिविंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। साथ ही साथ ये थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि सेल के अंदर कौन से मटेरियल एंटर कर सकते हैं, कौन सा नहीं एंटर कर सकता है, इट इज रेगुलेटेड बाय योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है रेगुलेट होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब इट कैन नॉट अलाउ ऑल द मटेरियल्स टू एंटर इनसाइड द सेल और इट कैन नॉट अलाउ ऑल द मटेरियल्स टू गो आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है। वहां पर कुछ कंडीशन है, कुछ बैरियर है, उसके अनुसार से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सा सेल का कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा, कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, ठीक है, क्लियर।
तो ये इट इज डिसाइडेड बाय और रेगुलेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपके घर के सामने दरवाजा पर कोई आया है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप दरवाजा खोलकर उनसे पूछते हैं, उनको पहचानने का कोशिश करते हैं. अगर आप उनको पहचान लेते हैं, अगर आप उनको जान लेते हैं, तो आप गेट खोलकर हाँ आइए सर अंदर आइए, या फिर जो भी आइए अंकल अंदर आइए बैठिए, है ना, उसको आप चाय पानी पिलाते हैं. बट इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज द पर्सन, अगर आप उस पर्सन को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो पर्सन अंदर ना आए, तो आप क्या करते हैं, दरवाजा को नहीं खोलते हैं सो दैट कि वो व्यक्ति अंदर ना आ सके. सो यू आर सेलेक्टिव इन दैट केस. आप उस समय क्या हो रहे हैं, सेलेक्टिव हो रहे हैं कि कौन कौन हमारे घर के अंदर आए कौन ना आए, ठीक है. तो इसी तरह क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आना चाहिए, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाना चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल. इट डज नॉट अलाउ ऑल द मटेरियल्स टू इंटर इनसाइड द सेल और गो आउट फ्रॉम द सेल. ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है. ये क्या करता है, ये आपको पता कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर के सारे सामान को, सारे चीजों को एक साथ क्या किया हुआ है, इनक्लोज्ड कर बांध करके उसको रखा है, ठीक है. तो अगर ये नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर नहीं होता तो क्या होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होने से सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो आपका साइटोसोल है, न्यूक्लियस, ये सब क्या होता, सभी स्कैटर्ड हो जाते हैं और सेल का अपना एक कोई पर्टिकुलर एक शेप नहीं होता. तो दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं, ये सेल का जो अंदर का जो चीजें हैं, सेल का जो कंटेंट है, ठीक है, ये सेल का जो कंटेंट है, ये सेल के कंटेंट को क्या करते हैं, ये सेपरेट करके, अदर सेल से सेपरेट करके रखते हैं और एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं. किसको, तो आपके सेल को. ये सेल को क्या करते हैं, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं और जितने भी कंटेंट्स हैं सेल के, उसको दूसरे सेल से सेपरेट करके रखते हैं. क्लियर. If we talk about the structure of, you know, plasma membrane, अगर हम लोग plasma membrane के structure की बात करें, तो बहुत ही simple सा structure यहाँ पर आपका दिया हुआ है. इसी structure को देखना है हम लोग को, ठीक है. Very simple structure is given over here. तो plasma membrane का जो structure है, ऐसे तो बहुत सारे structure को दिया गया, बहुत सारा structure दिया गया plasma membrane को लेकर, plasma membrane के बारे में बहुत सारे structure दिया गया. But the widely accepted स्ट्रक्चर जो है वो आपका कहाँ से निकल कर आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से निकल कर आया, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था. 1972 में ये जो है आपका दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये इस मॉडल के अनुसार से क्या होता है कि जो आपका जो लिपिड है, द लिपिड बायलेयर एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स अपीयर्स लाइक अ मोज़ेक अरेंजमेंट and the quasi-fluid nature of lipid enables the lateral movement of the proteins within the overall bilayer. कहने का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से. यहाँ पर इन्होंने बताया, क्या बताया, बताया कि जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, this is the structure of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज से बना होता है, इसको पहले समझिए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि आपका लिपिड है ना, और किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है. आप लोग कोई टिकआउट नहीं करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, क्लियर. यहाँ पर क्या है, मोज़ेक मैनर. मोज़ेक का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग मैनर, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होता है जैसे मान लीजिए कि जो है एक छोटा सा तालाब है, ठीक है, और उसमें हम लोग सभी लोग कूद गए हैं, हम लोग तैर रहे हैं, ठीक है. तो अगर हम लोग अपने आप को मान लें प्रोटीन, समझिएगा ध्यान से, हम लोग अपने आप को अगर प्रोटीन मान लें और उस जो वाटर का लेयर है, वाटर जो है उसको अगर हम मान लें लिपिड मान लें, तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जहां पर क्या होते हैं, लिपिड जो है वो दो लेयर में होते हैं, समझिएगा, और लिपिड के अंदर और बाहर क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो उसके ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा. प्रोटीन क्या होते हैं, उसके ऊपर या नीचे प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जो उसके ऊपर मोज़ेक मैनर में होते हैं, यानी कि फ्लोटिंग मैनर में होते हैं, ठीक है. यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, दिस इज योर लिपिड, ये क्या है, सारा लिपिड है, और लिपिड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रोटीन क्या है, पूरा एंटर किए हुए हैं, कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ है और कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ है, कुछ प्रोटीन्स के सरफेस के ऊपर इस तरह से हो सकते हैं,
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, लिपिड जो है वो दो लेयर में अरेंज है। लिपिड क्या है, दो लेयर में अरेंज है। और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स जो है इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, यानी कि कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर एंटर किए हुए हैं, कुछ प्रोटीन्स क्या है इसके सरफेस के ऊपर बाहर या अंदर की तरफ जो है प्रेजेंट है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर हम इस लेयर को, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से एक लेयर है, इसके अंदर बहुत सारा चीजें है। अगर हम यहाँ पर इस लेयर को कट करके, ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आउटर लेयर हो गया, ये मेरा बाहर सेल के बाहर का चीज हो गया, ये सेल के अंदर का हो गया, इनसाइड हो गया। तो इसी को अगर हम यहाँ पर इस तरह से दिखाएं, तो क्या हो रहा है, ये मेरा अगर आउटसाइड है, आउटसाइड द सेल, और ये क्या है मेरा इनसाइड द सेल, ठीक है, दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिपिड है ना, लिपिड को आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से अरेंज है, आप देखिए इस तरीके से अरेंज है ना, लिपिड क्या है कुछ इस तरीके से अरेंज है। जहां पर क्या हो रहा है, लिपिड का यहाँ पर आप हेड देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टेल देख रहे हैं। क्लियर, तो लिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, एक आपका हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेड वाले जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं पोलर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलर। सो हेड जो होता है वो क्या होता है, पोलर हेड होता है, कहने का मतलब इट इज वाटर लविंग, ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लेयर होते हैं, ठीक है। और ये जो टेल लेयर है, दिस इज यू नो नॉन पोलर होते हैं, एंड दिस इज योर हाइड्रोफोबिक लेयर, यानी ये क्या होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये सब आपका क्या है, हेड है, ये सब आपका क्या है, टेल है, और बीच में सब क्या है, ये आपका क्या हेड है लिपिड का, और बीच में आप देख रहे हैं क्या, बीच में आपका टेल पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, दिस टू आर यू नो हेड ऑफ द लिपिड, क्या है ये, वाटर आपका लविंग है ना, वाटर लविंग है, यानी कि आपका पोलर हेड है। और आपका बीच का जो आप लेयर देख रहे हैं, ये क्या है, नॉन पोलर टेल है, जो कि आपका हाइड्रोफोबिक एंड है। क्लियर, तो इस लिपिड में प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जो है वो होते हैं आपका, प्रोटीन क्या होते हैं उसमें, मोज़ेक मैनर में होते हैं, फ्लोटिंग मैनर में होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, फ्लोटिंग मैनर में होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। और यहाँ पर ये प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेरिफेरल और दूसरा होते हैं इंटीग्रल, समझिए ध्यान से, क्या होते हैं, पेरिफेरल होते हैं और क्या होते हैं, इंटीग्रल होते हैं, है ना। इंटीग्रल को हम लोग इंट्रेंसिक भी कहते हैं और पेरिफेरल को हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। कैसे, देखिए पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब आप कह सकते हैं एट द सरफेस और सरफेस के बाहर। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन है, या मान लीजिए अगर इस तरह से कोई सरफेस पर प्रोटीन है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स। और पेरिफेरल जो होते हैं प्रोटीन्स, वो क्या होते हैं, सुपरफिशियली, है ना, आप कह सकते हैं ये जो है आपका लेयर के बाहर, है ना, लेयर के बाहर यानी आउटसाइड में, या लेयर के अंदर इनसाइड में पाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं किए हुए होते हैं। सो ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। और इंटीग्रल प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स का मतलब होता है दोज प्रोटीन्स विच आर embedded in the, you know, plasma membrane, जो plasma membrane के अंदर में embedded किए हुए हैं, plasma membrane के अंदर के जो है अंदर में enter किए हुए हैं, plasma membrane घुसकर एक channel का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे proteins को हम लोग कहते हैं आपका integral protein, ठीक है, या उसको हम लोग intrinsic protein भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, protein के बारे में हम लोगों ने देखा, integral और peripheral, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लिपिड के मॉलिक्यूल का पोलर हेड और नॉन पोलर टेल के बारे में देखा, किस तरह से यहाँ पर लिपिड अरेंज रहते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटीन किस तरह से, कुछ प्रोटीन्स क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया हुआ है, जो क्या कर रहा है, एक चैनल का काम कर रहा है, ठीक है, एक चैनल का काम कर रहा है। चैनल का क्या काम होता है, चैनल का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, कोई मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का,
जैसे कुछ ऐसे चीजें होते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वाटर क्या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटर होके जा सकता है? नहीं जा सकता है। इस जगह तो ये तो पोलर हेड है, यहाँ तो वाटर यहाँ तक एंटर कर सकता है। चलिए ये जो आपका पोलर हेड है यहाँ पर वाटर एंटर कर सकता है, लेकिन ये बीच का लेयर क्या है? हाइड्रोफिलिक है, इट विल नॉट अलाउ वाटर टू एंटर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए वाटर का परमिशन नहीं है, है ना? तो ये कैसे वाटर एंटर करेगा? तो वाटर जो है कैसे इसलिए नहीं एंटर कर पा रहा वाटर, क्योंकि डायरेक्टली एंटर नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर लिपिड का नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर पार्ट है, यानी कि वो वाटर हेटिंग है, वो तो वाटर को एंटर करने देगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल कैसे एंटर करेगा? तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस प्रोटीन का हेल्प लेगा। ये प्रोटीन क्या करेगा, एक चैनल का काम करता है, इट एक्ट एज अ चैनल, इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें बाइंड कर जाएगा और फिर क्या होगा, ये प्रोटीन जो है प्रोटीन वो रोटेट कर जाएगा, रोटेट करने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा? फिर ये जो आपका वाटर है क्या हो गया, अंदर चला आया। तो इस तरह से वाटर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन जो है वो एंटर करते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, ऐसे प्रोटीन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं या चैनल का काम करते हैं। इस कारण से उनको हम लोग ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा? ओके, सो नाउ यस सर, समवन इज इन द वेटिंग रूम। ओके, वेटिंग रूम, ओके, प्लीज लेट मी ऑफ माय वेटिंग रूम। या प्रताप एंड स्नेहा रानी, या दे वर इन वेटिंग रूम। ओके, लेट मी ऑफ माय वेटिंग रूम, मैं ऑफ कर देता हूँ सो दैट हाँ कोई भी एंटर कर सकता है। ठीक है, ओके, नाउ दे हैव यू नो एंटर्ड। सो हमारा क्या है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो फुल्ली आपने समझ लिया। ये एकदम सिंपल सा एक डायग्राम है, एग्जाम में आए तो आपको यही डायग्राम को ड्रॉ करना है। और ध्यान रहे, इसमें आपको क्या डिस्क्राइब करना है, तो प्रोटीन लिपिड के बारे में आपको बताना है, इसका हेड के बारे में, इसका टेल के बारे में, ये किस तरह से हाइड्रोफिलिक होता है, ये कैसे आपका हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये आपका हेड पोलर हो गया, टेल आपका नॉन पोलर हो गया, ये आपको अच्छे से बताना है। फिर आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल होते हैं और इंटीग्रल होते हैं। किस तरह से पेरिफेरल जो है वो सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको हम ट्रांसपोर्टर या चैनल प्रोटीन्स कह रहे हैं, ये किस तरह से वैसे मॉलिक्यूल को एंटर करने में हेल्प करते हैं जो मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर नहीं कर सकते, वो ये प्रोटीन के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? Now we will talk about function of plasma membrane. इतना सारा मैंने आपको बता दिया, तो function जो है कोई नया ऐसा कुछ बचा नहीं function में पढ़ने को, मैंने तो आपको सारा कुछ बता दिया है ना, कि function क्या होता है plasma membrane का, कि ये जो एक cell को particular shape देता है, ये cell का जो है आप कह सकते हैं entry और exit of molecule को, movement of molecule inside और outside the cell को ये regulate करता है। ठीक है, clear? ये एक living membrane होता है, तो ये सारा चीज जो है मैंने आपको बताया। ठीक है, लेट्स सी और क्या क्या है फंक्शन में। ठीक है, देखिए, इट अलाउ दी, है ना, इट अलाउ दी मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस फ्रॉम लाइट कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, विच इज नोन एज डिफ्यूजन। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन का, है ना, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो थोड़ा ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का कौन सा मॉलिक्यूल एंटर करेगा कौन सा नहीं एंटर करेगा इसको रेगुलेट करता है। तो ये कैसे रेगुलेट करता है, तो विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेसेस, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए ये रेगुलेट करता है। सपोज ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ठीक है, क्लियर। सेल के बाहर ध्यान दीजिएगा, सेल के बाहर अगर मान लीजिए यहां पर मान लीजिए वाटर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, समझिएगा ध्यान से, और अंदर में क्या है, कम है, तो क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। अगर हम लोग ये बात करें गैसेस को लेकर, ठीक है, या सॉलिड को लेकर अगर हम लोग बातें करें, ठीक है, तो सिंपली होता क्या है, देखिए मॉलिक्यूल में अपना एक नेचर होता है, मॉलिक्यूल्स का अपना एक नेचर होता है
कि ये क्या करता है, अगर ये टच में रहे तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस मीडियम में आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या इस मीडियम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन बाहर में अधिक है और सेल के अंदर कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एंटर करेंगे सेल के अंदर। समझिएगा ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर में हैं, ये मॉलिक्यूल्स अंदर में हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर अगर ज्यादा है ना, यहाँ पर अगर जो है वाटर का ज्यादा कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन है, तो ये वाटर का अपना एक क्या उसको बोल सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का अपना एक नेचर होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। तो क्या होगा, ये वाटर इनसाइड द सेल क्या होगा, एंटर करने लगेगा। ठीक है, अगर सेल के अंदर अगर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, सेल से बाहर की तरफ ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, सॉल्वेंट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर का मूवमेंट है ना, ऑस्मोस का मतलब क्या होता है, ऑस्मो रिलेटेड विद वाटर, तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के जरिए अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा हो, वाटर का मूवमेंट हो रहा हो, तो हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस। क्लियर, बट अगर इनकेस यहां पर अगर केवल गैसेस का अगर मूवमेंट हो, सपोज अगर है ना कोई गैसेस है ना, ऑक्सीजन सेल के अंदर आ रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जा रहे हैं, ये भी क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर अधिक हो गया है तो क्या हो रहा है, वो सेल के बाहर जा रहा है, या ऑक्सीजन सेल के अंदर ज्यादा है और कम है सेल के अंदर, सेल के बाहर ज्यादा ऑक्सीजन है, सेल के अंदर कम ऑक्सीजन है, तो इट स्टार्ट्स एंटरिंग इनसाइड द सेल। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में मेनली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस। अगर गैसियस सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, एंड वन मोर प्रोसेस मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको बताया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का जो है, यानी आप खास करके वाटर का जो है मूवमेंट जो है वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के जरिए अगर ये प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, यस बोलिए सर। कोई भी एक सॉल्वेंट के मूवमेंट को हम लोग ऑस्मोसिस कह सकते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू? हाँ, कोई भी जो है, आप जो है यानी वाटर के अलावा अदर्स जो है, जो भी आपका मूव करेंगे सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जब सेल के बारे में बात करें, तो सेल में क्या होता है, मेनली जो मूवमेंट होता है या फिर बहुत सारे सॉल्यूट का भी मूवमेंट होता है, वाटर में ही आप कह सकते हैं वो घुले रहते हैं, है ना। अगर हम बात करें प्रोटीन्स का, अगर बात करें मान लीजिए हम विटामिन्स का, मिनरल्स का, है ना, या फिर अदर जैसे मान लीजिए कि लिक्विड का बात करें, तो वो क्या होता है, वो सारे वाटर में क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, है ना, वाटर में घुले हुए होते हैं, और उसका मूवमेंट जब है ना वाटर के जरिए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जो है मूव कर रहे हैं, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं, अगर 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 ये मूवमेंट अगर विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन हो रहा है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए हो रहा है, सेल के अंदर और सेल के बाहर का मूवमेंट हो रहा है ना, तो इस तरह से ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, अगर मूवमेंट अगर वाटर का हो रहा है सेल के अंदर और सेल के बाहर, और अदर अगर मान लीजिए सब्सटेंस जो वाटर में घुले हुए हैं, उसका भी मूवमेंट वाटर के साथ हो रहा है। क्लियर, और गैसेस का मूवमेंट मेनली किससे होता है, गैसेस तो आप जानते हैं, गैसेस जो है वो वाटर में घुल नहीं सकते, इसलिए गैसेस का जो मूवमेंट होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या होता है, डिफ्यूजन के जरिए होता है। क्लियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर, समझिएगा ध्यान से, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी जो वाटर का जो मूवमेंट है, ये भी एक तरह का क्या है, ऑस्मोसिस, सॉरी ये भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन है। बट मेनली क्या होता है, जब सॉल्वेंट का है ना, वाटर का या अदर फ्लूइड का जब मूवमेंट हो रहा हो सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन।
ठीक है, ये भी क्या होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होते हैं, ठीक है, लोअर से सॉरी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होते हैं, ठीक है, क्लियर है। आप एक सेटअप भी यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, चलिए हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको एक सेटअप के जरिए, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, सिमिलर ये आपका एक जार है, ये भी आपका क्या है, एक जार है, क्लियर, दोनों एक जार है। इसमें क्या वाटर जो है यहाँ तक फिलअप किया हुआ है, इसमें वाटर क्या है यहाँ तक फिलअप किया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें क्या है कम है, क्लियर। अब क्या हुआ, इन दोनों जार को हमने है ना क्या किया, एक पाइप के जरिए कनेक्ट कर दिया, एक पाइप के जरिए हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पाइप के जरिए क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हमने फिक्स कर दिया। ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, ये जो वाटर का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, इस जार से लेकर इस जार की तरफ मूव करने लगेगा, और ये तब तक करेगा जब तक कि आप कह सकते हैं जब तक कि दोनों का लेयर इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का लेयर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, ये मूवमेंट करना बंद कर देगा, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। अदर और एग्जांपल ले सकते हैं आप, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक जार है, ये आपका जार है, इसमें क्या है वाटर जो है फिलअप किया हुआ, वाटर पानी भरा हुआ, जल भरा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, एक फनेल लिया जिसका मुंह कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये आपने एक फनेल लिया है ना, फनेल लिया, और इस फनेल के यहाँ पर आपने क्या किया, फनेल के जो ओपनिंग पर है आपने एक मेम्ब्रेन को बांध दिया, ठीक है, मेम्ब्रेन को बांध दिया, क्लियर, ठीक है, आपने एक मेम्ब्रेन का यूज किया, ठीक है। इस जो आपका फनेल है, फनेल में आपने, ध्यान दीजिएगा, फनेल में आपने क्या किया, फनेल में आपने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपने इसमें ले लिया, सपोज आपने इसमें क्या किया, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, तो इसमें भी वाटर है, जार में भी आपका वाटर है, और फनेल में भी आपका वाटर है, ठीक है, धीरे धीरे आप उसको कुछ समय तक छोड़ दीजिए, क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन जार में अधिक है, जार में अधिक है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो एंटर करने लगेगा, आपका फनेल के अंदर एंटर करने लगेगा, फनेल के अंदर क्या करने लगेगा, एंटर करने लगेगा, कब तक एंटर करेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर चढ़ता जाएगा, जो आपका लेयर जो पहले यहां तक था वो धीरे धीरे यहां तक हो जाएगा, है ना, मे बी ये फ्लो ओवर फ्लो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब तक कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हुआ ये मूव करता रहेगा, तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ यू नो ऑस्मोसिस, ये एक तरह का क्या है, ऑस्मोसिस है, ये एक तरह का क्या है, ऑस्मोसिस है, क्लियर, ये एक तरह का क्या है आपका, ऑस्मोसिस है, जहां पर क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ हो रहा है थ्रू ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के जरिए हो रहा है, ठीक है, थ्रू ए मेम्ब्रेन हो रहा है, तो आप इसको भी कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ यू नो ऑस्मोसिस, ये क्या है आपका, ऑस्मोसिस है, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये इस फनल एक्सपेरिमेंट में, एक फनल एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं है ना, कि यहाँ पर आपका किस तरह से ये जो आपका वाटर का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। कुछ इसी तरह का मूवमेंट हमारे सेल के अंदर और बाहर होता है, ठीक है, कुछ इसी तरह का मूवमेंट क्या होता है हमारे सेल के अंदर और बाहर जो है मॉलिक्यूल को आने जाने में होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा है ना कि किस तरह से आपका डिफ्यूजन हो रहा है, ध्यान रहे कि गैसेस को, अगर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो इसके लिए मात्र एक ही ऑप्शन है, दैट इज डिफ्यूजन करेगा वो, है ना, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, और आपका जो ये ऑस्मोसिस है इसमें क्या होगा, वाटर और वाटर के साथ घुले सभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑस्मोसिस के जरिए वो आपका सेल के बाहर और अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, क्लियर। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपको पता है कि ये क्या होता है आपका, काफी फ्लेक्सिबल होता है, काफी थीन होता है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी के कारण है ना ये डायरेक्टली फूड को कैप्चर कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे हम अगर बात करें
अमीबा के बारे में अगर बात करें, मान लीजिए अमीबा के बारे में बात करें, ये क्या है, एक अमीबा का डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, ये अमीबा है ना, ये अमीबा है। आप जानते हैं कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो अमीबा क्या है, एक सेल का बना हुआ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यानी ये क्या होता है, एक ही सेल का बना होता है, ये क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। यानी इसके अंदर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो आउटर लेयर, सबसे जो बाहरी लेयर है, ये क्या है आपका, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी लेयर क्या है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, जो है आपका खास करके सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। जैसे क्या करता है, सपोज यहाँ पर ये आपका एक फूड मटेरियल इसके सामने आया, ये फूड मटेरियल आया, तो ये क्या करेगा, ये अपने शेप को मॉडिफाई कर लेगा। अपना इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्या करेगा, ये मॉडिफाई करके कुछ इस तरह का शेप को यहाँ पर ये क्रिएट कर लेगा। दिस शेप इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। यानी कि जैसे ही ये फूड पार्टिकल इसके सामने आया, ये क्या करेगा, ये अपना शेप को मॉडिफाई कर लेगा, ये मॉडिफाई कर लेगा, कुछ इस तरह से अपना शेप बना लेगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करेगा, ये इसको पूरा का पूरा अपने कैप्चर में ले लेगा, पूरा का पूरा उसको इनक्लोज कर लेगा। इनक्लोज करने के बाद क्या होता है, ये जो आपका इसमें कौन हेल्प किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प किया, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ये जो है आपका इतना फ्लेक्सिबल है कि इट इज एक्टिंग एज अ स्यूडोपोडिया। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, अमीबा को लोकोमोशन में, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। तो ये ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, और जब ये इस फूड को कैप्चर कर लेगा, तब क्या होगा, अब ये अमीबा क्या होगा, इसको अपने अंदर में, अपने सेल के अंदर में इसको ले लेगा। यानी कि फूड इसके अंदर चला गया, ठीक है, और इसका जो आउटर कवरिंग क्या था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था, इस तरह से ये फूड इनसाइड में चला। अब इस फूड का क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन होगा इसके अंदर में। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल के अंदर क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा, और जो पार्ट जो है नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो बच गया, उसको फिर क्या होगा, इसी तरीके से सेल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, ये क्या, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही फूड को इंजल्फ कर पा रहा है। फूड को इंजल्फ करना मतलब निगलना, ठीक है, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी कि किसी फूड को बॉडी के अंदर लेना, दैट इज एंडोसाइटोसिस, और उसी को फिर डाइजेशन के बाद जो बचा रह गया, उसको शरीर से बाहर करना, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और ये इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को, दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना मेजर रोल रहता है, जैसे कि हमने आपको बताया अमीबा का एग्जांपल लेकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। सेल वॉल आपको पता है, ये जो है आपका प्लांट सेल में, या बात करें बैक्टीरिया में, या बात करें आप जो है फंगस में, तो दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। ये सबसे बाहर का बाउंड्री होता है, सबसे बाहर का लेयर होता है। बट अगर हम बात करें एनिमल सेल के बारे में, तो इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन प्लांट सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, है ना। प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, फंगस में, जो सबसे बाहरी लेयर जो सेल का है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी के उसके भी बाहर है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, इसका जो कॉम्पोजिशन, आपको पता है कि सेल वॉल जो है किसमें पाया जाता है, मैंने बार बार रिपीट किया है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, आपको फंगस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट्स के ही अंदर आते हैं एल्गी, है ना, एल्गी में भी पाया जाता है, यानी प्लांट्स के ही अंदर एल्गी आते हैं। तो जहां जहां बात करेंगे प्लांट, वहां वहां एल्गी भी चलाएगा। तो बैक्टीरिया में भी, फंगस में भी, है ना, और प्लांट्स, एल्गी, ये सब में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में भी पाए जाते हैं, है ना। प्रोटिस्टा का मतलब होता है जिसमें अमीबा जिस कैटेगरी में है उसको प्रोटिस्टा बोलते हैं, लेकिन अमीबा में नहीं होता है सेल वॉल। लेकिन कुछ यहाँ पर भी, जैसे डायटम्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है आपका, है ना, पाया जाता है सेल वॉल पाया जाता है। तो क्या होता है, देखिए सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है, इट इज डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म।
अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया का, अगर हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करें, बैक्टीरिया का सेल वॉल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है म्यूरिन से, MURIN, म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकॉन। हाँ, इसको हम, इसी को हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन है क्या? ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ होता है। यानी बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर? तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। अगर वही हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे फंगस का, अगर हम लोग बात करेंगे फंगस के सेल वॉल का, सेल वॉल का बात करेंगे, तो फंगस का सेल वॉल बना होता है, वेरी गुड, काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, अगर प्लांट सेल या एल्गी हम लोग इसी में ले लेते हैं, एल्गी, सेल्यूलोज, हाँ वेरी गुड, है ना, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्या होता है, मेनली किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो इस तरह से सेल वॉल का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अपना कॉम्पोजिशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करेंगे अगर इसका फंक्शन के बारे में बात करें, तो देखिए ये क्या है, आउटर कवरिंग है, ये हार्ड होता है, ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये सेल को क्या करता है, एक तरह का स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। ठीक है, और क्या करता है, बाहर के मैकेनिकल इंजरी से, है ना, इसको प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल इंजरी से क्या करता है, सेल वॉल जो है प्रिवेंट करता है, सेल के सारे कंपोनेंट को, सेल मेम्ब्रेन को, है ना, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। क्लियर, साथ ही साथ ये क्या करता है, साथ ही साथ जो है आप कह सकते हैं कि आपका जो सेल है ना, उसको प्रिवेंट देयर डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है, डेसिकेशन का मतलब होता है कि सेल को जो है आप कह सकते हैं ओवर ग्रोथ या ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, तो ये आपका है मतलब सेल को बस्ट होने से बचाता है, सेल को आप कह सकते हैं कि जो है बस्ट होने से बचाता है, क्योंकि और क्या होता है, किसको कह सकते हैं आप, मेनली यही कह सकते हैं, उसको आप बस्ट होने से बचाता है ना, और ये तरीके से क्या करता है, ड्राई होने से बचाता है उसको, सो दैट कि जो है बाहर का लेयर क्या है आपका, बाहर का लेयर आपका है सेल वॉल, तो इन दिस वे क्या करता है, वो डेसिकेशन से सेल को बचाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि सेल को बस्ट होने से या सेल को ड्राई होने से क्या करता है, सेल वॉल इसको सेव करता है, बचाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और क्या होता है, सेल वॉल परमिट द सेल्स टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए विदाउट बस्टिंग यानी कि अगर सेल को, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में अगर डाल दिया जाए, है ना, तो धीरे धीरे सेल क्या होते हैं, स्वेलअप करने लगते हैं। जब स्वेलअप करने लगते हैं तो सेल इतना स्वेलअप करने लगेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस बस्टिंग से क्या होता है, सेल वॉल बचाता है। कैसे बचाता है, कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सेल वॉल है, ध्यान दीजिए, और ये आपका क्या है, सेल है अंदर का, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनदर थिंग है। तो इसके अंदर जब क्या होगा, वाटर या फिर कोई अदर मॉलिक्यूल जब एंटर कर रहा है ना, कोई सॉल्यूशन जब एंटर कर रहा है, ये क्या होगा, एक्सटेंड करेगा, ये मान लीजिए फुल करके हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर फुल करके हो जाएगा और इतना हो जाएगा, लेकिन इसका एक लिमिट है, ये सेल वॉल तक ही स्वेलअप कर सकता है, उसके बाद तो स्वेलअप कर नहीं सकता है। तो क्या ऐसे केस में क्या होगा, ये बस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं बस्ट होगा, क्योंकि सेल वॉल और इसको ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ने देगा नहीं। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट, है ना, ओवर वॉल्यूम से इसको प्रोटेक्ट करता है, जिस कारण से ये सेल बर्स्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? तो सेल वॉल को लेकर आप लोग क्लियर हो गए। अगर हम लोग बात करें सेल वॉल का, अगर स्ट्रक्चर को देखें, तो थोड़ा सा चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक सेल में क्या होता है, जैसे ये आपका सेल वॉल है, ठीक है, फिर एक और आपका, क्योंकि सभी सेल तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, ये भी आपका सेल वॉल है, इस तरह से आपका क्या है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर आपका अलग अलग, है ना, यहाँ पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका कंप्लीट सेल होता है यहाँ पर, है ना, कंप्लीट आपका क्या होता है, इसके अंदर में आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनेल्स है वो सब होते हैं। आप ध्यान दीजिए ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ जरूरी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, ये जो सेल वॉल है,
ये आपस में क्या होता है, एडजेसेंट सेल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये जो आपका क्या है, ये जो आपका सेल वॉल है, ये क्या है, दो सेल को आपस में क्या जोड़ कर रखे हुए हैं। तो सेल वॉल का वो पोर्शन, ध्यान दीजिए, सेल वॉल का वो पोर्शन जो क्या करता है, जो दो सेल के वॉल को जोड़ रहा है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडिल, मिडिल लेमला कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल लेमला कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मिडिल लेमला कह सकते हैं, आ रहे हैं उसमें, आ रहे हैं, इट इज नॉट प्लाज्मोडेस्माटा, हम लोग आ रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये आपका होता है क्या, मिडिल लेमला होता है, यानी कि जो सेल वॉल का दो दो सेल का सेल वॉल, दो सेल का सेल वॉल आपस में फ्यूज करके जुड़े हुए रहते हैं, और जिस जगह पे फ्यूज करते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं मिडिल लेमेला कहते हैं। आपके आपके पॉइंट पर आ रहे हैं। अब क्या होता है, ये मिडिल लेमेला जो है वो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो अब तो ये सेल और ये सेल अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहेगा, या ये सेल और ये सेल आपस में कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो इट कैन नॉट कम्युनिकेट। तो उसके लिए क्या होता है, इसके बीच में, ध्यान दीजिएगा, दो सेल के बीच में है ना, थ्रू सेल वॉल के होते हुए क्या होता है, दोनों के बीच में एक तरह का पोर्स पाया जाता है, एक तरह का जो है क्या सकते हैं, पोर पाया जाता है। यानी कि इस पोर के जरिए क्या होता है, इस पोर के जरिए, इस स्ट्रक्चर के जरिए दोनों सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक पोर पाया जाएगा, है ना, यानी कि ये दोनों आपस में अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, थ्रू दिस पोर दे कैन एक्सचेंज देयर मटेरियल। दिस पोर इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर जो मिडिल लेमला है, वहां पर क्या होता है, दो सेल के बीच में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ड्यू टू है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट पोर दे एक्सचेंज देयर जो है मटेरियल। इस पोर को ही हम लोग कहते हैं, क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए एक सेल दूसरे सेल से क्या करते हैं, अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, वाटर है, गैसेस है, जो भी उनको एक्सचेंज करना है, वो इट कैन एक्सचेंज फ्रॉम यू नो वन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर, समझ में आ रहा है। और सेल वॉल को जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, और अंदर के लेयर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, मेजर जो कॉम्पोजिशन है प्लांट सेल का, सेल वॉल का, वो क्या होता है, वो आपका सेल्युलोज होता है, ठीक है, हेमी सेल्युलोज होता है, और फंगस का काइटिन होता है, बैक्टीरिया का क्या होता है, बैक्टीरिया का आपका जो है पॉलीसेक्राइड्स, आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन होते हैं, ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी क्या है, सभी आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर। नाउ मूव टू द न्यूक्लियस। अगर हम लोग न्यूक्लियस की तरफ मूव करें तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आपको बता दें सेल के अंदर का लार्जेस्ट बॉडी होता है, सेल के अंदर सबसे जो बड़ा बॉडी होता है, है ना, सबसे जो बड़ा बॉडी होता है, दैट इज योर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बता दें आपको, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या होता है, सेल का ब्रेन कहते हैं इसको, सेल का हेडक्वार्टर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑल द फंक्शंस, सेल जो है, सेल का सारा फंक्शन ग्रोथ हो, मल्टीप्लीकेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सेल का जो भी फंक्शन है, ऑल दीज आर रेगुलेटेड बाय दिस यू नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा रेगुलेट होता है सेल का सारा फंक्शन। कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेल है ना, विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड मास्टर माइंड ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है, क्लियर है। और ये अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो हम लोग अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, तो ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या होता है, दो लेयर से ये बना हुआ होता है, ये दो लेयर से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या हो, ये आपका एक बाहर का मेम्ब्रेन, ये आपका अंदर का मेम्ब्रेन, यानी कि दो मेम्ब्रेन हो गया, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, यानी यहाँ पर दो लेयर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन।
ठीक है, और अगर इसके अंदर चले जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपका न्यूक्लियोलस होता है और दूसरा क्या होता है आपका क्रोमेटिन होता है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक जो बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्ली NUCLEOLUS न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्लियर, अगर ये सारे चीज प्रेजेंट है, यानी कि दो ठो मेम्ब्रेन, अगर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, तो ऐसे जो है हम लोग न्यूक्लियस को कहते हैं वेल एडवांस न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाहर में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये भी एक तरह का ऑर्गेनेल है जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का, तो आपने यहाँ तीन चीजों को देखा, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो दो, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है, और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं क्या, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर सैप कहते हैं। ये क्या होता है, ये फ्लूइड पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में जो फ्लूइड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप कहते हैं। अगर ये सभी चीज प्रेजेंट है किसी सेल में, तो वैसे सेल को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल और वेल एडवांस सेल कहते हैं। ठीक है, और अगर इसमें से कोई भी एब्सेंट रहता है, जैसे बैक्टीरिया का सेल के बारे में बात करें, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये न्यूक्लियोलस नहीं होता है, केवल ये क्रोमेटिन होता है, तो उसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं और उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स में काउंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम लोग उसको काउंट करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स भी होते हैं, जो मैंने आपको ये जो दिखाया, दिस इज यू नो, ये क्या है, पोर्स है, ये क्या है, पोर्स है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स भी होते हैं, जिसके जरिए दे एक्सचेंज देयर मटेरियल फ्रॉम है ना देयर एनवायरनमेंट में वो अपना एक्सचेंज करते हैं मटेरियल, है ना, इसके कारण से। ठीक है, क्लियर है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जो मैंने आपको बताया क्रोमेटिन ही क्या होता है, आगे चल के कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं, और ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, डीएनए का जो पार्ट फंक्शन करता है, फंक्शनल होता है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरेक्टर को लेकर जाता है, वैसे पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग कहते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स कहते हैं। ठीक है, और इन अ सेल, ध्यान दीजिए, विच इज नॉट डिवाइडिंग, दैट दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, ये क्या होता है, सेल के अंदर में क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, और यही क्या होता है, जब आपका कंडेंस्ड हो जाता है और ठीक हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग, है ना, आज थोड़ा क्लास स्टार्ट होने में लेट हो गया था, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। ठीक है, हम लोग यहाँ तक एंड कर रहे हैं ना, अगले क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करेंगे अगले क्लास में इस चैप्टर को देखते हैं कितना है, ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं, लेकिन आगे दो क्लासेस में चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इस तरह से घर में अच्छा से पढ़िए, कोई भी अगर डाउट हो तो क्लास में पूछिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑलवेज हम अवेलेबल हैं, कोई भी डाउट होता है घर में, आप अपना नोट्स को अच्छे से स्टडी कीजिए, जो माई स्कूल ऐप में दिया हुआ है उस नोट्स को आप डाउनलोड कीजिए, आपके पास मॉड्यूल भी है, वहां से स्टडी कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और समय लेंगे और लंबा समय तक पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आज जो है अदर क्लासेस आपका लंबा नहीं चल सका, हाफ एन आवर का आपका लगभग जो है लॉस हुआ है, तो हम लोग आगे क्लास में इसको मेकअप करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग घर में पढ़िए, हाँ अच्छा से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड डे सर, बाय सर, थैंक यू सर।